हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल डॉग अल्टीमेट केयर में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डॉग लूज मोशन। डॉग को लूज मोशन क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसका सिम्टम क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, आज आपको इस वीडियो में पूरा जानने के लिए मिलेगा। आपको जानने से पहले ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा आपको करना क्या होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लूज मोशन, डॉग में लूज मोशन, पहले तो आप जान लीजिए लूज मोशन होता क्या है। लूज मोशन वो नहीं होता, आपका डॉग दिन में 3 या 4 बार पोटी कर रहा है और वो लूज स्टूल कर रहा है, वो लूज मोशन नहीं होता है। लूज मोशन होता वो है आपका डॉग दिन में 8 से 10 या 12 बार पोटी कर रहा है और वो बिल्कुल लिक्विड कर रहा है या पानी जैसी कर रहा है, वो होता है डॉग लूज मोशन। और लूज मोशन भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका डॉग जो लूज मोशन कर रहा है वो लिक्विड तरह का होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। एक होता है आपका डॉग का लूज मोशन है उसमें हल्का सा ब्लड आ रहा है, और एक होता है तीसरे वाला आपका डॉग लूज मोशन कर रहा है और ब्लड लूज मोशन कर रहा है उसमें ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें तीनों स्टेज पर, तीनों लूज मोशन में 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं और उनके रीजन भी तीनों के अलग अलग होते हैं। इसका कारण क्या होता है, पहले हम बात करते हैं जो आपका डॉग बिल्कुल लिक्विड कर रहा है लेकिन उसमें ब्लड नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या होता है। अगर आप अपने डॉग की समथिंग एकदम से डाइट चेंज कर देते हैं, उससे उसके डॉग का जो स्टूल होता है वो लूज आना शुरू हो जाता है और उसमें उसमें आपको डरने की कोई चिंता वाली बात नहीं होती है, या कुछ गलत खा लेता है इस वजह से भी उसको लूज मोशन हो जाता है, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं होती है। इसको आप सिंपली अपने घर पे बिल्कुल इसको परफेक्ट कर सकते हैं एक ही दिन में। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें आपको अपने डॉग को दही देना होगा। दही में आपको मिलानी होगी इसबगोल की भुस्सी, उसमें मिला दीजिए और उसको 10 से 5 मिनट के लिए रख दीजिए दही में मिक्स करके। 10 या 15 5 मिनट में वो इसबगोल की भुस्सी होगी वो फूल जाएगी और उसको अपने डॉग के सामने रख दीजिए। उसे आप दिन में 1 या 2 बार ऐसे खिलाइए तो समझ लो आपको उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। और आपको उसको खाने में क्या देना है, आप उसको खाने में राइस दे सकते हैं और उसमें बोनलेस चिकन मिक्स करके आप उसको खिला सकते हैं, क्योंकि जो हल्का खाना उससे देंगे उसका जो लूज मोशन होगा वो बिल्कुल ख़त्म होता आ जाएगा। 1 या 2 दिन में आपका डॉग फिर से वैसी पोटी करने लग जाएगा, उसका लूज मोशन बंद हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, आपके डॉग की पोटी में हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है, यानी कि हल्का फुल्का जैसे जीर टाइप होता है, जैसे फीमेल बच्चे देती है उस टाइम पर थोड़ा सा हल्के से गंध आता है ना, वैसी उसकी लेटरिंग में आ रही है और हल्की सी स्मेल आ रही है। तो दोस्तों, इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है, आपके डॉग के पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो ठंड की वजह से भी हो सकता है या गलत खान पीन की वजह से भी हो सकता है, और समथिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको समथिंग करना क्या होता है, आपको थोड़ा सा बस उसका केयर करना होता है। इसमें आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको उसका ब्लड रोकने के लिए सबसे पहले तो उसको ट्रीटमेंट में आपको टैबलेट देनी है ओफ्लोक्स ओजेड नाम की टैबलेट आएगी, वो आपको 2 दिन उसको देनी है, 1 सुबह 1 शाम में, जिसके उसके अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है पेट के अंदर वो उसका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके डॉग का लूज मोशन बंद करने के लिए आपको उसको देना है नॉरफोलॉक्स TZ, जिससे उसका लूज मोशन बंद होगा। ओफ्लोक्स ओजेड से उसके अंदर जो स्टोमच में प्रॉब्लम हुई है, जो इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक होगा। ये दोनों याद रखना भैया, नॉरफोलॉक्स TZ और ओफ्लोक्स OZ, एक एक टैबलेट 2 दिन तक आपको अपने डॉग को देनी है सुबह और शाम, जिससे आपका डॉग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, आपके डॉग के लैटरिन में पोटी में हम नहीं चाहते हैं इस स्टेज पर आपका डॉग आए, लेकिन अगर बाय चांस आपका डॉग इस स्टेज पर आ जाता है और ये लूज मोशन आपके डॉग में है, उसके लूज मोशन में ब्लड ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक लाइन्स पोटी डर रहा है, तो आपको करना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं आपको सिर्फ वही करने हैं, परफेक्टली आपको वेटरनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर पे उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उसको जितना भी हो सके खाने की चीज़ से दूर कर दीजिए, और उस टाइम पर आपको उसको
सुबह के टाइम में ओफ्लोक्सोजाइड की टैबलेट दे देनी है, और उसके बाद में उसके जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए आप उसको ड्रिप, बाई चांस ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो आप उसको ड्रिप लगा दीजिए। ड्रिप के द्वारा आप उसको विटामिन कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन लगाइए उसमें, बी कॉम्प्लेक्स के, और उसमें आप एंटीबायोटिक में लगा सकते हैं अमोक्सीरम फोर्ट नाम से इंजेक्शन आता है, वो आप उसको दीजिए। इससे आपका डॉग 2 या 3 दिन में, अगर उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम है, अगर उसको पारो वायरस हुआ है, अगर और कोई बीमारी आई है तो उसका इलाज थोड़ा अलग होता है। लेकिन मान लो उसकी लैटिन में ब्लड आ रहा है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो उसके लिए आप अमोक्सीरम का फोर्ट का आएगा इंजेक्शन, आप उसको 3 दिन तक दीजिए, आपका डॉग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। दोस्तों कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।